ब्लडी सत्य के आज के सराहन कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ जिस सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आज की ये जो घटना है ना, ये जितनी ज्यादा डरावनी है उससे भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के धर्म को नीचा दिखाने का है। मेरे आज के इस वीडियो का मकसद केवल एक पर्सन के साथ घटी हुई सच्ची घटना की भूतिया कहानी आप लोगों के सामने लाना है। दरअसल जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम था मोहित। मोहित कहीं ना कहीं से इंडिया से बिलोंग करता था, लेकिन ऐसा था कि दो पीढ़ियों से इसका परिवार सऊदी में रह रहा था। सऊदी में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। मोहित के घर में जो बोलचाल की लैंग्वेज थी, इंडिया से बिलोंग करने की वजह से हिंदी ही थी। क्या होता है ना कि उन लोगों का अक्सर ऐसा था कि वो लोग इंडिया विजिट करते रहते थे। उनके कुछ रिश्तेदार इंडिया के किसी एक छोटे गांव में रहते थे, वो अक्सर वहां पर आना जाना करते थे। मोहित जो है ना, वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी अम्मी अक्सर उसको कहा करती थी कि बेटा देख, तो हैवी वाला इत्र, मतलब ज़्यादा सुगंध वाला इत्र लगा कर घर से बाहर मत निकला कर, वरना तेरे से कुछ रूहानी ताकतें अट्रैक्ट होगी, जिन्नात तेरे से अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुझे काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती हैं। मोहित अक्सर अपनी अम्मी से कहता था कि अम्मी, जिन्नात तो केवल लड़कियों के इत्र लगाने से उनके पास जाते हैं, मेरे पास क्यों होंगे। अम्मी बताती थी कि जिन्नात केवल मेल ही नहीं होते। मैं आप लोगों को इजीली समझ में आए इसलिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ। उसकी अम्मी ने उसको अपने हिसाब से समझाई। अम्मी ने उसको ये भी बताया कि बेटा, जिन्नात फीमेल्स भी होती हैं और अक्सर ऐसे मर्दों से, ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो खूबसूरत होते हैं, सुंदर सुंदर परफ्यूम लगाते हैं, जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। मोहित को जिन्नात की कहानियाँ सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ये तो हो गया मोहित का इंट्रोडक्शन। लेकिन जो मोहित के अम्मी अब्बू थे, ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे। ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करो, ये करना सही है, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा उनका हमेशा से था। मोहित को अपने अम्मी अब्बू की बस यही चीज़ ठीक नहीं लगती थी। खैर, एक बार की बात है, मोहित 12 साल का था। वो लोग इंडिया में घूमने के लिए आए, वहीं जा रिश्तेदारों के घर, जहाँ भी जाते थे छोटे से गाँव में। मोहित के कुछ दोस्त थे यहाँ पर, आना जाना लगा रहता था, तो मोहित के उम्र के लड़के उसके दोस्त बन गए थे। जब कभी भी मोहित और उसके परिवार वाले इंडिया में आते थे, गांव में जाते थे, तो मोहित अपने दोस्तों से मिलने जुलने के लिए अक्सर जाया करता था। उनके साथ घूमने के लिए खेत खलियानों में जाता था। अब इस बार भी अम्मी अब्बू आए थे। ठंड का मौसम था और मोहित को यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सऊदी में जो वो इतने सालों से रह रहा था, वहाँ पर ऐसी यार इंडिया वाला मौसम नहीं मिलता है। तो अपने यहाँ पर आया हुआ था। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे और मोहित के 3-4 दोस्त उसको लेने के लिए आए कि चल भाई, अपन थोड़ा टहल के आते हैं। मोहित भी एक्साइटेड हो गया। मोहित ने उठाया अपना खतरनाक वाला इत्र और लगाने लगा। अम्मी ने उसको रोकी भी कि क्या कर रहा है, इतना खतरनाक वाला इत्र क्यों लगा रहा है, मैंने तुझे मना की हूँ ना, दिन में लगाया कर, और लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है। अम्मी मुझे जाने दो ना प्लीज़, मेरे दोस्त लोग आए हैं, ये बोलकर मोहित निकल गया। ज़्यादा अम्मी की बात नहीं सुना। रात भर टहला, रात भर नहीं एक्चुअली 11:30 बजे के आसपास वो घर को लौट गया। घर को लौटा ही है, 10 मिनट घर पे बिताया ही है, तो उसे फीवर आने लगा। अभी खाना नहीं खाया था मोहित ने। अम्मी ने खाना खाने के लिए कही तो उसका मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ज़बरदस्ती खाया तो उसको वोमिटिंग हो गई। उस रात सोया तो उसे बहुत ही भयंकर सपना दिखाई दिया। सपना दिखाई दिया कि वो उसी गाँव में अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था, अचानक से 3 औरतें उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दी। ये औरतें बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मोहित को देख के बड़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, उसके पीछे इस कदर दौड़ रही थी जैसे कि उसे बस ख़त्म करना चाहती हो। मोहित घबरा कर चिल्ला कर उठा था, अम्मी को सारी बात बताया था। अम्मी को मन में घबराहट हुई भी थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, लेकिन अब्बू ने कहे कि डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखाया गया, आराम नहीं मिला, खाना पीना बहुत ही कम हो गया, सोना बहुत ही कम हो गया, जब कभी भी सोता वही 3 औरतें इसको सपने में दिखाई देती। फिर इसको झड़ाए फुकाए, चीज़ें थोड़ी शांत हुई और ये लोग सऊदी लौट गए। लेकिन सऊदी लौटने के ठीक 3 दिन बाद चीज़ें फिर से शुरू हो गई। ये जब कभी भी सोता, सपने में वो 3 औरतों में से कोई एक इसे स्माइल करते दिखाई देती, और ऐसा वो सपना होता कि ऐसा लगता कि यार वो मेरे कमरे में ही है, मेरे बाजू में ही लेटी हुई है, मेरे पैरों के पास ही बैठी हुई है, मुझे उठाना चाह रही है, अपने पूरे बॉडी का वेट मेरे ऊपर डाल रही है। बचपन से ये सारी चीज़ें फेस करता था। जैसे तैसे करके उसकी ज़िंदगी के 14 साल बीत गए। मोहित अब 26 साल का हो गया। 26 साल का होते होते तक
मोहित यह समझ चुका था कि पिछले 14 सालों से जो 3 औरतें मुझे सपने में दिखाई देती है वो कोई आम औरतें नहीं है, मेरे दिमाग का कोई वहम नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार की जिन्नाते हैं जो कि मुझसे जुड़ना चाहती हैं किसी भी हालात में। मोहित इस तरह की बातें अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से करते रहता था, तो उसको समझ में आया था कि अगर एक बार वो शादी कर ले तो उसको इनसे छुटकारा मिल सकता है। उसने अपनी अम्मी से बात किया कि अम्मी मेरी शादी करवा दो, तभी मुझे ठीक लगेगा। अम्मी ने भी बोली, ठीक है चल अच्छी बात है, तेरी शादी का रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता हुआ भी, लेकिन सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई पहले ही रिश्ते में कि शादी होने ही वाली है और शादी के ठीक 5 दिन पहले जो दुल्हन थी ना उसके अम्मी अब्बू का देहांत हो गया। उसने बोली कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगी, इंडिपेंडेंट थी लड़की, अच्छा काम करती थी, पैसे वाली थी, बोली मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। उसने जो कही वही हुआ, रिश्ता टूट गया। उसके बाद मोहित टेंशन में रहने लगा, यार ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। फिर दूसरा रिश्ता जुड़ा, उनके घर में भी किसी की मौत हो गई, उनका भी रिश्ता टूट गया। फिर ये बात आपस में, मतलब जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, फैल गई कि भाई इस लड़के से जो कोई भी अपनी लड़की की शादी करेगा उस लड़की के जो परिवार में है ना पूरी तरीके से बर्बादी छा जाएगी। अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि मोहित 36 साल का हो गया, ना जाने कितने रिश्ते जुड़े कितने रिश्ते टूटे। अब मोहित डिप्रेशन में रहने लगा, हमेशा दुआ पढ़ते रहता कि चीज़ों से मुझे आराम मिले, वो औरतें मुझे दिखाई देना बंद हो, लेकिन नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता था, सोने से भी डरने लगा था, एकदम हालत ख़राब हो गई थी, दुबला पतला हो गया था, खाना पीना भी कुछ खा नहीं पाता था। फिर एक बार की बात है, उसका एक दोस्त जिसका नाम था आतिफ, उससे मिला, कहता है कि भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ घूमने के लिए कुछ काम से। दरअसल आतिफ बिजनेसमैन था और इंडिया में उसका कुछ काम चलता रहता था। इसने बोला कि ठीक है मैं भी चलता हूँ, दोनों इंडिया है, ये सोचकर कि चलो थोड़ा घूमना फिरना होगा, अच्छा लगेगा। ये लोग वाराणसी में आके कहीं रुके हुए थे एक होटल में, वो अपना काम करने को बाहर निकल गया और मोहित अकेला था होटल में, सोचा कि थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ अच्छा लगेगा, इंडिया आया हुआ हूँ, अच्छी जगह है, फेमस जगह है, थोड़ा देखता हूँ घूमता हूँ। वो घूमते घूमते बाहर निकला, एक दुकान में उसकी नज़र पड़ी रुद्राक्ष की माला पर। पता नहीं उसके मन में ऐसा कौन सा अट्रैक्शन आया रुद्राक्ष को लेकर, उस दुकान की तरफ बढ़ा, बोला कितने की है, बातचीत किया और वो रुद्राक्ष की माला खरीद लिया। रुद्राक्ष की माला खरीदने के बाद पता नहीं फिर से क्या मन में आया, उसके बारे में इंटरनेट में सर्च किया और यूट्यूब में वीडियो देखने लगा। उसने देखा कि अगर बुरी शक्तियों से छुटकारा पाना है तो बजरंग बली का जाप करो, उनके मंत्रों का जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ज़्यादा ही परेशानियाँ बढ़ जाए तो बजरंग बाण का पाठ करो। उसने देखा कि मेरे पास अब रुद्राक्ष की माला भी आ गई है, मैंने ये वीडियो भी देख लिया हूँ, और पता नहीं कैसा ये चमत्कार हुआ है कि यही पर्टिकुलर वीडियो मेरे सामने खुला कि अगर आपको निगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाना है तो आप बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्र का जाप करो। उसने सोचा कि कहीं प्रकृति ही तो नहीं चाहती है, ऊपर वाला ही तो नहीं चाहता है कि मैं ये करूं और मुझे इस चीज़ से निजात मिले, क्योंकि इतने साल हो गए मैं भुगत रहा हूँ। इतने में उसका दोस्त आ गया और उसने अपने दोस्त से कुछ नहीं बताया, वो माला छुपाकर अपने बैग में रख लिया। पहुंचा सऊदी वापस, इसने ये माला अपनी अलमारी में रख दिया और सोने के लिए चला गया। सोया ही है कि सपने में उसे फिर से वो 3 में से एक औरत दिखाई दी और उसे देखकर स्माइल कर रही है और कह रही है कि तू कुछ भी कर ले मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। उसकी तरफ आई और उसके चेस्ट में पूरा अपना प्रेशर डालने लगी। इसको उस दिन इतना ज़्यादा डर लगा था कि ऐसा लगा था कि यार मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा आज, लेकिन जैसे तैसे करके जाग गया और काँप रहा था, यह पूरा तरीके से काँप रहा था। पता नहीं आधी रात को ही दिमाग में ऐसा आया, ये उठा, माला निकाला, अपने मोबाइल में वीडियो लगाया हनुमान चालीसा का, पूरी रात, रात में 100 बार हनुमान चालीसा उसमें प्ले किया है और रुद्राक्ष की माला को वो जैसे पाठ में यूज़ करते हैं वैसा करता चला गया। इसको पूरे नियम नहीं पता थे ना, कैसे पता होते, तो पूरी रात किया है और अब सुबह सुबह का वक्त लगभग आ गया और अब इसको एक झपकी सी आई, आज सोया ही है कि सपने में इसको एक फिर से बड़ी सी परछाई दिखी। ये डरने लगा कि अभी तक वो औरत तो अपने नॉर्मल रूप में दिखाई देती थी, हालांकि डरावना था लेकिन नॉर्मल था, लेकिन सपने में इतनी बड़ी परछाई किसकी है। वो परछाई इसकी तरफ बढ़ने लगी, जब इसके बहुत ही नज़दीक आ गई तो इसने क्या पाया, वो परछाई किसी और की नहीं हनुमान जी की है। वो कांप गया ऊपर से नीचे तक, चीख कर उठा है, पसीना पसीना हो गया, बोला ये क्या हुआ है मेरे साथ।
लेकिन वो पूरा जो दिन था, अब तक सुबह हो चुकी थी और ये वाला पूरा दिन उसका बहुत अच्छे से कटा। उसको अच्छे से खाना खा के भी हुआ, काम करके भी हुआ। आज ना जाने कितने दिनों बाद उसने अपने अम्मी से अपना कुछ फेवरेट बनाने को कहा था। वो बहुत खुश था आज। उसको अंदर ही अंदर कहीं पर ऐसा लगा कि कहीं मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पूरी रात किया हूँ, ये उस वजह से तो नहीं हुआ है। उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और आज रात में फिर से हनुमान चालीसा का पाठ किया और सो गया। लेकिन आज रात में फिर से उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई इसकी और भी ज़्यादा नज़दीक आई और वो परछाई कि अब पांच सर दिखाई दे रहे थे। यह डर गया, बोला ये क्या है। लेकिन जब वो परछाई लाइट की तरफ आई तो क्या पाया कि एक शक्ल हॉर्स की है, एक शक्ल नरसिम्हा की है। इस प्रकार की पांच शक्ल है। ध्यान से देखा तो समझ में आया कि हनुमान जी पंचमुखी रूप है। ये कांप गया फिर से, ये फिर से चीख कर उठा। लेकिन इस बार घबराया हुआ नहीं था, बल्कि एक होता है ना कि कभी कभी हमें एक अलग सी पॉजिटिविटी लगती है, इसको वो लग रही थी। पिछले 15-16 सालों में, मतलब इसको याद भी नहीं यार कितने साल हो चुके थे ये सारी चीज़ों से जूझते हुए। 12 साल की उम्र से लेकर 36 साल का हो गया था। इसको मालूम भी नहीं था कि कभी ये डरकर नहीं उठा है, हमेशा ही डरकर उठता था। लेकिन आज जब ये उठा तो डरा नहीं हुआ था, इसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसके मन में एक खुशी हुई और ठान लिया कि मैं आज के बाद से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करूँगा और हनुमान चालीसा से हनुमान जी ही मुझे उस शक्तियों से निजात दिलवाएंगे। वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। और कमाल की बात तो ये थी, जो पिछले 24 साल से उसके साथ हो रहा था वो उसके साथ अब होना रुक गया था। ये बहुत खुश था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दोस्त ने पार्टी ऐसी किसी वजह से अपने दोस्तों को दिया और इसको भी बुलाया। ये पार्टी में गया और इसके दोस्तों ने इसे नॉनवेज खिला दिया। आ गया घर पे, इसको बड़ा दुख हुआ क्योंकि इसको अब नॉनवेज छोड़े हुए काफी दिन हो चुके थे। जब से इसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो चुका था। अम्मी अब पूछते थे तो बोलता था मन नहीं करता है। ये बहुत ज्यादा पछताया यार रात में अपने बिस्तर में बैठ के कि मैं अपने दोस्तों से मना कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया मना, क्यों नहीं किया। ये सोने को गया, सोया 1:30 बजे के आसपास, नींद आ गई। अब सोए हुए लगभग 15-20 मिनट हुए हैं कि सपने में फिर से वही तीनों औरतें इस बार सामने दिखाई देती है और बड़ी वियर्ड तरीके से हंस रही थी और कह रही है तीनों इसके नज़दीक में आके, जैसे ये सो रहा है इतने पास इसके आए, अब तुझे कौन बचा पाएगा, तेरा विश्वास तो टूट गया। ये चीख मार के उठने की कोशिश किया लेकिन आज ये हिल नहीं पाया। ये बहुत ज़्यादा घबरा गया, इसको ऐसा लगा कि ये तीनों आज मेरी जान लेकर चली ही जाएगी। ये चीख रहा था लेकिन अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, हाथ पैर बटक रहा था। अम्मी अब्बू की नींद खुल गई दूसरे कमरे में, भाग के आए, बेटा क्या हो गया क्या हो गया, उठ जा उठ जा उठ जा। बेटा उठा, बहुत डरा हुआ था, रो रहा था। अम्मी से फिर से ये सारी बात बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना दिखाई दिया, अम्मी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मुझे बचा लो नहीं तो मुझे मार डालो, मैं ऐसे नहीं जी सकता। अम्मी को भी बड़ा दुख हुआ, अम्मी भी पूरी रात रोई है उस रात। अब्बू तो सोने के लिए चले गए थे। ये वाला दिन जब निकला तो बड़ा हैवी हैवी दिन था। फिर इसने चोरी छुपे फिर से अपने कमरे में गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और आज दिल से हनुमान जी से कहा कि मैं बहुत झेल लिया हूँ, या तो अब मुझे अपने पास बुला लो, मुझे ख़त्म कर दो, मुझे ऊपर वाले के पास भेज दो, या तो फिर मेरी परेशानियों को ठीक कर दो, अगर हो तो अपनी शक्ति दिखाओ, या फिर आपके बारे में लोग सब ऐसे ही कहते हैं। बस उस रात को फिर से उसको सपना दिखाई दिया है और इस बार सपने में वो जो तीनों औरतें हैं ना, वो एक अंधेरे कमरे में इसको बहुत ज़्यादा तड़पती हुई दिखाई दे रही है। इसने देखा कि उस अंधेरे कमरे में इसने एंटर किया है सपने में ही और ये ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और लिटरली वो तीनों आत्माओं, तीनों भूत, तीनों जिन जो भी कहें, उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए हैं। और फिर अचानक से एक वाइट सी रोशनी आई और ये जागा। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। इसने बोला ये क्या था, और मैं अपने आप के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ आज। उसी दिन दोपहर के वक्त अम्मी को एक फ़ोन आता है इसकी शादी के लिए, रिश्ता पक्का हो जाता है, जो तारीख निकाली जाती है शादी हो जाती है। जब तक ये शादी नहीं हुई थी तब तक ये बहुत ज़्यादा खुश था और बजरंग बली का शुक्रियादा पूरा करता था कि आपकी वजह से मेरी जीवन में इतना सब कुछ बदल गया है, आज के बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही मानूंगा, आप मेरे साथ हो तो किस बात का डर है। तो बस शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद चीज़ें फिर से बदली, अब इसके साथ नहीं बल्कि इसकी पत्नी के साथ।
शादी के 5-6 दिन ही हुए थे। इसकी पत्नी सो क्या कहती है कि पिछले 1-2 दिन से मैं एक आदमी को अपने सपने में देखती हूँ और वो मुझसे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये जैसे इसने अपनी पत्नी से सुना तो कांप गया कि ये क्या मैटर हुआ, मेरी पत्नी के साथ भी वही हो रहा है क्या। अब पत्नी रोज शिकायत करती, इसको तो ये खत्म हो गया था लेकिन पत्नी को शुरू हो गया था। ना जाने कैसे, ना जाने कहाँ से ये हिम्मत नहीं कर पाता था अपनी पत्नी से पूछने की और ना ही बताने की हिम्मत कर पा रहा था कि मैं ये करता हूँ, रोज हनुमान जी का पाठ करता हूँ, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया इसलिए मैं ठीक हुआ हूँ। फिर 10-12 दिन बाद इसने एक दिन अपनी पत्नी को सारी बात बताया कि मेरे साथ भी ऐसा होता था और मैं कैसे बाहर निकला हूँ। पत्नी बहुत नाराज हुई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि गुस्से में अपने घर को चली गई और कुछ दिन तक लौटी नहीं। लेकिन कितने दिन तक वहाँ पर रहती, आई अपने पति के पास, आई इसके पास, बातचीत ज़्यादा नहीं करती थी शुरू में, लेकिन अब क्या कर सकती थी, पति था उसका। यहाँ पर ये हनुमान जी के ऊपर अपनी श्रद्धा विश्वास बना कर रखा था, वो नॉनवेज खा रही थी, वो अपने आप में चीज़ों से लड़ रही थी। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं उसकी पत्नी को पता चले। ये रोज़ हनुमान जी के सामने प्रे करता है कि मेरी पत्नी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी पत्नी अभी भी नॉनवेज खाती है और जो भी उसको अपने हिसाब से मानना है वो अपने हिसाब से सब चीज़ें करती है, जैसा उसको जीना है वो वैसे जीती है। लेकिन आज भी अपनी दुआओं में, बजरंगबली की प्रार्थना में अपनी पत्नी को याद रखता है और इसे विश्वास है कि जैसे जैसे इसकी पत्नी के साथ चीज़ें कम हुई है, इतनी एक्सट्रीम थी 2021 में, 2023 तक जो इतनी कम हुई है वो समय के साथ ख़त्म ही हो जाएगी। मोहित ने मुझे ये कहा कि भाई पूरी दुनिया को कहानी सुनाओ और ज़रूर कह देना कि इस कहानी का मकसद किसी की भी भावनाओं को, किसी के भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये मोहित के जीवन की एक कहानी है। वो बजरंगबली के चमत्कार को पूरी दुनिया को बताना चाहता था, तो उसने सोचा कि मेरा वीडियो सबसे अच्छा माध्यम होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख या फिर मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री राम।